शराब लदा वाहन चालक ने अनियंत्रित होकर मारी बिजली पोल में ठोकर, बाल बाल बचे लोग। थाना क्षेत्र के उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित दबहाट टोल के समीप शराब लेकर जा रहे एक पिकअप वाहन के चालक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल में ठोकर मार दी। वो तो गनीमत रही कि आसपास कोई नहीं था, वरना कोई बड़ी घटना हो जाती। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिकअप गाड़ी उमगांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी, जहां मुख्य मार्ग के किनारे 11,000 वोल्टेज बिजली के तार गुजर रही है। उसी पोल में चालक ने जोरदार ठोकर मार दी, जिससे बिजली का पोल क्षतिग्रस्त होकर झुक गया। इधर ठोकर की आवाज सुन आसपास के लोग दौड़ कर आए। तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर चालक और तस्कर फरार हो गया था। इधर घटना की सूचना मिलते ही हरलाखी थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंची और 14 बोरी शराब लदा वाहन को जब्त कर ली गई। इस बात पर थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि वाहन में कुल 1,950 बोतल शराब थी। अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जब ये ठोका है ना, पोल टूट कर जैसे गाड़ी पर जैसे लटका पोल, ड्राइवर उधर के फरार है। किसका गाड़ी है कुछ पता चल पाया? हम लोग को पता नहीं है, ये पता चल जाएगा इसमें नंबर नंबर से पता चलेगा। किधर से आ रहा है? उमगांव की ओर से आ रहा था। उमगांव से उधर आ रहा है। कितना कितना बजे घटना हुआ? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।